सीएम योगी ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर किया बायकॉट। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ सीएम योगी भी बोल रहे हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वो बेचारा उत्तर प्रदेश का सुधरता ही नहीं, चीफ मिनिस्टर किया, उन्हें भी आके बोला कि अगर हम जीत गए तो वो इसी को हैदराबाद से भगा देंगे। अरे भाई आप अंदाजा लगाइए, एक चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, ये भगाने की बात, लेके जाने की बात, ये नौजवान बच्चे करते, आशिकी करे तो भगा के लेके जाते हैं, भगा देते हैं। आप तो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमार को बोल रहे भगाते, छोटे पापा है क्या हम? तो जेलों में डाला हमको, बोला वो तुम्हारी जो जेल है ना वो हमारा ससुराल है, और हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कौन है, मुसलमान। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।